नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास कार्यक्रम में आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का राम नाम। जी हां, राम राग को लेकर अब विपक्ष काफी परेशान नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चुनाव में अयोध्या के राम मंदिर की अब एंट्री हो गई है और प्रदेश भर में भव्य राम मंदिर की तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी दिग्गजों के होर्डिंग लग गए हैं। भव्य राम मंदिर की तस्वीर, बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीचे भाजपा के तमाम दिग्गजों की फोटो, राजधानी भोपाल समेत इंदौर में लगे और इन होर्डिंग के चलते ही मध्य प्रदेश में सियासी आग अब भड़क चुकी है। कांग्रेस इसे लेकर चुनाव आयोग पहुंची है तो भाजपा इसे कांग्रेस का राम और राम मंदिर विरोधी चेहरा बता रही है। लेकिन अब कमलनाथ ने भी हिंदुत्व कार्ड खेल दिया है। कमलनाथ ने राम राग अलापना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अकेले भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का श्रेय नहीं ले सकती है और इसके लिए हमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भूमिका को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खोला था और हमें अपने इतिहास को भी नहीं भूलना चाहिए। कमलनाथ ने यह भी कहा कि राम मंदिर किसी एक पार्टी या व्यक्ति का नहीं है, यह हमारे पूरे देश और हर नागरिक का है। और इस मुद्दे पर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर को अपनी संपत्ति समझकर हड़पना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव जीतने पर कांग्रेस श्रीलंका में सीता माता मंदिर बनवाने का अपना वादा निभाएगी, यानी मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब राम बनाम सीता की जंग होने वाली है। और इसी को देखते हुए लगातार कहा जा रहा है कि अब जो प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही लोकसभा चुनाव की जो रणभेरी है वो बच जाएगी जिस तरह से देखा जा रहा है। और 80 लोकसभा सीटों को लेकर भी लगातार चल रही तनातनी के बीच ये राम राग अलापना एक तरह से देखा जाए तो सीधा उत्तर प्रदेश पर भी इसका असर पड़ता नजर आएगा। चलिए इसी पर बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। विजय खेरा प्रवक्ता बीजेपी के हैं जो हमारे साथ कुछ ही वक्त में जुड़ेंगे। साथ ही साथ रत्नाकर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत रत्नाकर जी आप ही के साथ कर लेते हैं। जिस तरह से चुनाव पास आ गए हैं ऐसे में देखते हुए अब विपक्ष की तरफ से एक राम राग को लेकर लगातार कहा जा रहा है और बीजेपी पर इस बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि उसका क्रेडिट पूरा भाजपा ही लेना चाहती है। राम मंदिर सिर्फ भाजपा का नहीं पूरे देश का है। देखिए वक्ता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रामचंद्र जी, प्रभु रामचंद्र जी 82 करोड़ इस देश के हिंदुओं के, वो किसी भाजपा या किसी अन्य दल के नहीं है। 82 करोड़ जो सनातनी हिंदू है उनकी आस्था उनमें। आज भारतीय जनता पार्टी जो श्रेय लेने का काम कर रही है तो इतने सालों से उनकी सरकार रही क्यों नहीं राम मंदिर के का निर्माण कराया? कहीं ना कहीं न्यायालय की अनुमति से, न्यायालय के फैसले से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसका वो श्रेय ले रहे हैं अभी। ठीक है, आप लीजिए, श्रेय लीजिए, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए, इतिहास में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि राम मंदिर का ताला भी 1985 में राजीव गांधी ने ही खुलवाया था। ठीक है, और ये भी इतिहास में को नहीं भूलना चाहिए कि जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी एक अध्यादेश लेकर आई थी राम मंदिर बनाने के लिए, लेकिन उस अध्यादेश का विरोध किसने किया था? इसी भारतीय जनता पार्टी ने किया था ना। तो और ये आज राम के नाम पे जो चुनावी राजनीति कर रहे हैं ये वही लोग है ना जो 1400 करोड़ का चंदा घोटाला किए हैं। नहीं सर, तो भूलना तो है ना, जो महाकाल लोक में 865 करोड़ का जो सप्तऋषियों के मूर्तियां जो खंडित हो गई है उसका घोटाला किए हैं। नहीं सर, आपने कहा कि भूलना तो काफी कुछ नहीं चाहिए वाले लोग है ना, भूलना तो काफी कुछ नहीं चाहिए, भूलना तो उस बात को भी नहीं चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया जा रहा था कि अयोध्या के मामले को लेकर अभी फैसले को टाल दिया जाए, जब तक आम चुनाव 2019 के नहीं हो जाते, भूलना तो इस बात को भी नहीं चाहिए। भूलना तो इस बात को भी नहीं चाहिए कि आपने तो राम सेतु के अस्तित्व को ही नकार दिया। आपने तो राम जन्म होने पर ही राम के ही पूरे अस्तित्व को जड़ से उखाड़ फेंका के राम सेतु जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। भूलना तो इसे भी नहीं चाहिए ना रत्नाकर जी। वक्ता जी देखिए, हालात परिस्थितियां उस समय रही होंगी कि चुनाव के बाद इन फैसलों को लाया जाए
और सुप्रीम कोर्ट को फैसले को आग्रह किया जा सकता है, फैसले को आगे पीछे किया जा सकता है। और रही बात जो नकारने की बात कह रही है, ये किसी व्यक्ति का खुद का वो व्यू था, वो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं नकारा कि हमने राम के अस्तित्व को नकारा है, कांग्रेस पार्टी का कभी स्टैंड नहीं रहा है। कोई व्यक्ति अगर कहता है, कोई पार्टी का ही नेता हो, तो उसके बयान को पूरे पार्टी का बयान समझ लेना और उसको दुष्प्रचारित कराना। दुष्प्रचारित नहीं, कांग्रेस नकार रहे। सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित साजिश रही है शुरू से ही, कि वह जो है राम के नाम पे राजनीति करना चाहती है। लेकिन राम के नाम पे आप राजनीति कब तक और कितने दिनों तक करेंगे? आपके पास जनता के पास सर, तो कांग्रेस पार्टी तो कई बार इस बात को कह चुकी है कि राम मंदिर तो हमारा मुद्दा कभी रहा ही नहीं है। अब आज आप मुद्दा क्यों बना रहे हैं इसको? अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है और चुनावों को देखते हुए इसको भुनाने की कोशिश कर रही है, तो आपको इस बात से दिक्कत परेशानी क्यों? क्योंकि कांग्रेस तो पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है कि राम मंदिर हमारा मुद्दा कभी से नहीं रहा। वक्ता जी, हाँ, आपका प्रश्न समझ गया, मैं अपनी पूरी बात कर लूं। हाँ, और प्रश्न है एक दो तो पूछ लीजिए, मैं उसका भी जवाब साथ में ही दे। नहीं नहीं, दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का चुनावी मुद्दा हमेशा जो है जनता रही है और जनता का हित रहा। हम लोगों को धर्म के आधार पे बांटने का काम नहीं करते, हम लोगों के जीवन स्तर को उठाने का काम करते हैं और सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। सर्वधर्म संभाव में आस्था रखते हैं और गांधीवादी विचारधारा से यह कांग्रेस पार्टी चलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में आज घोटाले जो किए इन्होंने पिछले 18 सालों में, जो घोटाले किए, 250 घोटाले किए भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें कैग का भी प्रमाणित घोटाला है, जो कैग की रिपोर्ट में आया है 13 घोटाले ऐसे हैं, तो ये तमाम घोटालों को आज चुनाव में गिनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे भी जा रही है इन्हीं धार्मिक मुद्दों के आधार से वोट मांगने का काम कर रही है। अगर ये विकास किए होते, अगर ये जनता का हित किए होते, अगर ये जनता का कल्याण किए होते, तो आज विकास के नाम से और जनता के किए हुए कल्याणकारी योजनाओं को गिना करके और जनता से वोट मांगने का काम करते। इन्होंने किया क्या? इन्होंने महाकाल लोक में 865 करोड़ का घोटाला किया, सप्तऋषियों की मूर्तियां खंडित हो गई मामूली आंधी में भी। इन्होंने तो राम मंदिर जमीन घोटाला किया, 2 करोड़ का जमीन 18 मिनट में जो है 18 करोड़ का कर दिया। इन्होंने हिंदू महासभा ने आरोप लगाया, ये कांग्रेस पार्टी आरोप नहीं लगा रही विश्व हिंदू परिषद के, हिंदू महासभा ने आरोप लगाया कि यह प्रभु श्री राम के नाम पे जो चंदा एकत्रित किया गया था 1400 करोड़, वो चंदा खा गए। तो ये चंदा चोर लोग ये मुंह में राम और बगल में छुरी का काम करते हैं, और हमने जो काम किया है वो जनता जानती है। इतने सालों से रामलला जो ताले में बंद थे, उस ताले को खुलवाने का भी काम राजीव गांधी ने किया था। ये हम सर, ताला खोलने के बाद जो कोर्ट का आदेश आया, उस पर भी तो उंगलियां आप ही ने उठाई ना। ठीक है रत्नाकर जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। विजय खेरा जी, आपने आरोप सुन लिए कि किस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, कि चुनाव का माहौल जैसे ही बनता है, चुनावी रणभेरी जैसे ही किसी राज्य में बचती है, आपका राम नाम से लेकर हनुमान से लेकर सारे हिंदुत्व को लेकर आप अपना कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। राम बीजेपी के ही नहीं है, सिर्फ पूरे देश के हैं, और इसको लेकर बीजेपी माइलेज ले रही है, पॉलिटिकल गेम खेलने की कोशिश कर रही है। अभी 4-5 बातें इन्होंने बोली है, बिल्कुल अविश्वसनीय है, कोई विश्वास करेगा नहीं इनके ऊपर। पहली चीज यहाँ से शुरू हुए थे कि हम मंदिर पे चुनाव जीतते हैं। 2019 का जब चुनाव हुआ था, तब तो मंदिर नहीं बनाया था ना हमने, तब भी हम जीते। अच्छा, बाद में जो चुनाव हम जीतते गए, हर बार उत्तर प्रदेश में फिर दूसरी बार चुनाव जीते, तब मंदिर बन गया था लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ था। अब सवाल ये है कि अगर आप मंदिर का विरोध करो, कानूनी लड़ाई में आप हमेशा विरोध करो, आप वहां पर जब मंदिर बनने का सवाल आया, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ तक विरोध करा कि आप बैठिए मत, सिटिंग मत करो, इसको पोस्टपोन करो, इसके पीछे क्या राज था कि आप सुप्रीम कोर्ट से कह रहे साहब इसकी सुनवाई मत करो, बाद में कर लेना? इसके पीछे क्या राज था? कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के उस समय सबसे बड़े नेताओं में थे कपिल सिब्बल। वो तो कह रहे हैं आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, राम मंदिर का ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। हाँ ठीक है, हम तो कह रहे हैं आपसे, कोई आदमी अगर नदी में डूब रहा है उसको आप बचा लाओ,
फिर उसको पुल के ऊपर चढ़ के नीचे फेंक दो, मार डालो उसको। इसका मतलब ये कि साहब हमने तो बचाया था उसको जिसको मार डाला। अगर आपने ताला खुलाया था उसके बाद तो आपने राम को मार के रखा। आपने आपने अभी हालांकि आपने कह दिया है, लेकिन ये लोग इनके ही स्टेटमेंट थे कि राम सेतु नहीं है, काल्पनिक है, काल्पनिक बोला जी। लेकिन वो कह रहे हैं ये तो आप ही की साजिश है, आप ऐसी अफवाहें फैला रहे थे, कांग्रेस ने कभी इस तरह का स्टेटमेंट दिया ही नहीं। अगर अगर आपके टीवी के पास फुटेज नहीं है तो मुझे बड़ा दुख होगा इस बात को लेके। ये इन्होंने कहा था, फिर दिग्विजय सिंह ने उसको तय किया था और उसके बाद कांग्रेस ने उस पर कोई जवाब नहीं। नहीं सर, ये मुझे याद है, इसीलिए ये मैंने सवाल किया रत्नाकर जी से। लेकिन रत्नाकर जी जो आरोप लगा रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी इतना सारा इन्होंने बोल लिया, बहुत सारी बातें हैं मैडम, इस समय फटाफट ये कह रहे थे हम बांटने का काम करते हैं, मतलब ऐसी झूठ। अरे हज को आप देते हो मदन चंदा, बद्रीनाथ यात्रा को नहीं देते, मदरसों को आप पैसा देते हो और इतना पैसा देते हो कि कम से कम 5,000 मदरसे नकली पाए जाते हैं। आपके मनरेगा में 4 करोड़ नकली पाए गए, राशन कार्ड 3 करोड़ नकली पाए गए, सब बंद हो गए, मदरसे 25,000 नकली पाए गए। ये सब क्या हो रहा था? हिंदू मुस्लिम को बांटा आपने, दंगे आपके राज में होते हैं और उसके बाद सारी तुष्टिकरण, आप कहते हो उनका पहला उनका अधिकार है प्राकृतिक स्रोतों के ऊपर और उसके बाद हमें दोष देते हो। यानी जिन हिंदुओं को आपने वंचित रखा अपने उनके अधिकारों से, अगर उन अधिकारों की हम लड़ाई लड़ते हैं तो आप मुझे चाहे मंदिर कह लो, चाहे हिंदू कह लो, चाहे सनातन कह लो, जो मर्जी कह लेना मुझे। लेकिन आपने जब ये हरकतें की कि हिंदुओं के साथ जो अन्याय किया है 60 साल, हम वो अन्याय दूर कर रहे हैं। हमारी नजर में कोई अल्पसंख्यक अलग नहीं है हमसे, हमने भी एक दृष्टि से देखेंगे, देखते हैं। अगत है और साफ तौर पर अब ये जो पूरी तस्वीर है 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर साफ होती नजर आ रही है। कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड अब कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रहा है। जो विपक्षी दल राम राग को अलापना शुरू कर चुका है और ऐसे में जब सवाल कई तरह के उठ रहे हैं क्रेडिट को लेकर और बाकी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, अभी साफ तौर पर आपने इस बात को कहा कि एक निजी राय हो सकती है किसी अपने व्यक्ति की, लेकिन ये कांग्रेस की राय नहीं थी और आपने किसी भी तरह से राम सेतु के अस्तित्व को नहीं नकारा। लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब अस्तित्व की बात हो रही थी और शपथ पत्र को जब सामने लाया गया तो कांग्रेस ने साफ तौर पर बोला था कि भगवान श्री राम तो कभी पैदा हुए ही नहीं थे। नासा इस चीज को मान रही है, अमेरिका की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं और उसके बाद भी अमेरिका के जब वैज्ञानिक कह सकते हैं ये मैनमेड है, तो आप ये कैसे निकालने की कोशिश कर सकते हैं रत्नाकर जी? कौन सा शपथ पत्र कांग्रेस ने दिया था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है? पार्टी ने एक शपथ पत्र दिया था ना, उसी के आधार पर ये बात हुई थी। निकालिए आप, आपको पता चलेगा, या तो फिर शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कब और क्या कहां किस तरह से क्या क्या सवाल उठाए गए हैं। रत्नाकर जी, नहीं, कौन सा शपथ पत्र हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोर्ट में दिया था और राम को कहा था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है? कांग्रेस पार्टी ने दिया था क्या सर? मैं आपको नहीं, आपको पर्सनली भेज दिया जाएगा सर। ठीक है, कोई वादी प्रतिवादी अपना अपना केस लड़ सकता है और शपथ पत्र दे सकता है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस तरह का शपथ पत्र नहीं दिया है कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, इस तरह कोई। अरे आपने ओपन स्टेटमेंट दिया था, है तो दिखा दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी करने की और चीजों को जोड़कर देखने की, ये जोड़ करके और कांग्रेस पार्टी को इस तरह से बदनाम करने की इनकी साजिश रही है शुरू से ही। अगर हम राम के अस्तित्व को नकारते वक्ता जी, तो हम करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को दरकिनार करके राम मंदिर को उसी ताले में बंद करके रखते। आपने राम और हमने भावना का सम्मान किया, हमने भावना का सम्मान किया, हमने ताला खुलवाया, हमने पूजा शुरू कराई जो राम मंदिर में पूजा नहीं हो रहा था। तो हम राम मंदिर के अगर अस्तित्व को नकारते और कहते कि राम है ही नहीं, तो हम क्यों ये काम करते? प्रश्न तो यहाँ पे है। मामले की जांच को टालने की बात क्यों कही गई? अब दूसरे, अब आप मेरी बात ठीक है, ठीक है, खेरा साहब मैं आती हूँ आपके पास, खेरा साहब मैं आ रही हूँ आपके पास। आपके चिल्लों करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, चिल्लों और तुम्हारी जमानत। खेरा साहब मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ मैं, रुकिए रुकिए। उत्तर प्रदेश में आपके बीच में बोला क्या? आप चिल्लों शब्द क्यों यूज किया? खेरा साहब सुन लेते हैं जवाब, मैं आपको वक्त दूंगी मैं आपको जी। रत्नाकर जी, आप वरिष्ठ हैं, आपका सम्मान है,
अब हम कोई संबंध नहीं, आप चिल्पो बोले हो, एक लोकसभा जीतते हो असीम और चिल्पो बोलते यार। बोलिए बोलिए रत्नाकर जी, जी कहिए कहिए। वक्ता जी देखिए, राम प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं जो वो आस्था के प्रतीक हैं, करोड़ों हिंदुओं के आस्था के युगों युगों से प्रतीक रहे हैं, और आस्था श्रद्धा विश्वास से हम पूजा पाठ उनकी करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री रामचंद्र जी को राजनीतिक मुद्दा बनाकर और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, और इसी के आधार पे वो हिंदू बनाम मुसलमान और धार्मिक जो है बांटो और राज करो की राजनीति करती आ रही है, ये शुरू से देखा गया। और आज जब राम मंदिर कोर्ट के फैसले से, न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से, कोर्ट के फैसले से ये बन रहा है, तो निश्चित रूप से उस पर भी राजनीतिक रोटियां ये सेकने का काम करेंगे। अरे भाई आप ये भी तो देखिए कि उस राम मंदिर के लिए आपने जो 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 अभियान छेड़ा था उसके पहले भी हम लोगों ने काम किया है, क्योंकि हमारी आस्था सभी धर्मों के प्रति है, सभी को साथ में लेकर चलने की है, तभी तो हमने वो काम किया जो मैंने आपको बताया इतिहास में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तो अध्यादेश राम मंदिर बनाने का जब अध्यादेश लेके आए तो इन्होंने विरोध किया था, और हमारे ऊपर तुष्टिकरण का जो इल्जाम लगा रहे हैं आज तक वक्ता जी, भाई मैं बता देना चाहता हूँ कि 80 और 20 का भी राजनीति कर उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान किसने किया था ये बता दीजिए, 80 और 20 का जो फार्मूला लेकर के आए थे आप, जो है बिल्किस बानो के रेप के आरोपियों को फूल माला पहना करके और समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं, ये कौन सी धर्म की राजनीति करते हैं ये भी तो बता दीजिए। ठीक है, विजय खेरा जी, रामलिंग सिंह के आरोपियों को केंद्रीय मंत्री फूल माला पहनाते हैं, आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सुनिए भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कपड़े का रंग देखकर हम धर्म के ज्ञान हो जाता है। रत्नाकर जी, और चुनाव में रत्नाकर जी वक्त की कमी है मेरे पास, और चुनाव में सुनिए 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 रत्नाकर जी, मैंने आपकी बात को सुन लिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रत्नाकर जी, विजय खेरा जी कहिए, खेरा जी मुझे बता दीजिएगा, अरे तुष्टिकरण बोलिए खेरा जी, खेरा साहब आप लोगों ने पहला काम इन्होंने तो सबको लेकर करते, सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया है कि राजीव गांधी के समय साहबानों केस में तीन तलाक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको लोकसभा में आके बहुमत से पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, ये था तुष्टिकरण पहली बार राजीव गांधी का। दूसरी बात, अभी ये कह रहे हैं कि हमने ताला खोला था उसके बाद राजीव गांधी, इसका मतलब ये हुआ कि राजीव गांधी के बाद आपकी मंदिर पे पॉलिसी पलट गई है क्या? उसके बाद जब सोनिया गांधी आई तब से आपको चिढ़ हो गई भगवान राम से क्या? क्या उनकी भक्ति के चक्कर में आप हिंदू को भूल गए क्या? इसका मतलब ये हुआ कि राजीव गांधी के समय आपने कहा वो किया, आपने ये किया, और फिर सोनिया गांधी जब से अध्यक्ष बनी तब से आपने राम को अस्वीकार करना चालू कर दिया, यानी राजीव गांधी और सॉरी राहुल गांधी और सोनिया जी खिलाफ थे क्या इसके, जो पूरी कांग्रेस पलट गई, कोर्ट तक खिलाफ गई, हर चीज में आप। तीसरी बात अभी देख लीजिएगा, इन्होंने फिर क्या किया, जनेऊ डालना चालू किया, कभी नहीं गए थे ये, कभी वहां नवदुर्गा में पूजा करने नहीं गए थे, कभी इफ्तार तो होते थे लेकिन कभी कन्या नहीं जिमाई गई थी कांग्रेस दफ्तर में, लेकिन क्या हुआ फिर ये राजबब्बर की अध्यक्षता में कन्याएं भी जिमाई जाने लगी, ये सब इन्होंने फॉलो किया, तब तक हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहा और आप 60 साल देखते रहे और हम लोग भी देखते रहे उसको। अब जब हिंदू जाग गया है और आप ये जनेऊ पहन के जा रहे थे उसको लोगों ने, मुसलमानों ने स्वीकार नहीं किया अब आपकी हरकतों को, क्योंकि उन्हें आदत पड़ गई थी, तो उन्हें सापा के साथ चले गए और आपको पूरा मट्टी कर दी, 2 MLA जीतते, 1 विधानसभा 400 में जीत पा रहे आप, ये आपके सामने आ गए क्योंकि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, वहां पर आपने जो हरकत की थी जनेऊ पहनने की उससे आप मुसलमान नाग समझ गया कि आप तो तुष्टिकरण हिंदुओं का कर रहे हो, तो ये तुष्टिकरण की राजनीति पहले मुसलमानों की फिर हिंदुओं का प्रयास किया, वो आपका फेल हो गया, मुसलमान आपसे छटक के चले गए, सपा में चले गए, तो आप इस तरह की राजनीति करते हो, ये वो कांग्रेस नहीं है जिसका सपना गांधी जी ने देखा था, ये वो कांग्रेस तो रास्ता छोड़ चुकी है, डिविजन कर रहे हैं आप, जो गांधी जी का सपना था वो तो नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं,
गांव तक वो बिजली पहुंचाई, सारे एक एक गांव में उन्होंने जल पहुंचा दिया जो 70 साल पहुंचा नहीं पाए थे। हमने कोरोना में दिखा दिया कि खाना कैसे खिलाया जाता है, एक उन्हें 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा के दिखा दिया, इतना बड़ा कार्य करके दिखा दिया, ये सब आप नहीं कर पाते थे, छोटी छोटी वैक्सीन नहीं बना पाते थे, और उसके बाद आप मुकाबला कर रहे हो। इसीलिए तो आपका दुर्दशा हो रही है कि रास्ता अभी भी आप भूले हो। ईश्वर करे आप सही रास्ते पे चल जाए अभी भी, ताकि देश एक एक रहे। ठीक है रत्नाकर जी, 10 सेकंड के अंदर अपनी बात खत्म कर दीजिए। देखिए अवस्था जी, आज भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी सर्वे आ रहे हैं, उन सर्वों में ये स्पष्ट तौर से 2018 में इन 5 राज्यों में ये लोग जीते नहीं थे, और अभी भी सर्वे जो आ रहा है उसमें भी ये जीत नहीं रहे। तो ये सारे एजेंडों को भूल करके अंत में अपने हिंदुत्व वाला ही कार्ड खेलने का काम करते हैं। और वही तो भी आपने भी तो कर दिया सर, तो आपने भी कर दिया। अगर अगर कमलनाथ जी ने मन की बात की है, और ये हिंदू हितैषी होने का जमना करते हैं, कमलनाथ जी ने मंदिर खुला दिया था जब मणिपुर में हमारे हिंदू ठीक है सर, वो तो आपने भी किया, राम राग अलापने का काम तो आपने भी किया। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।